हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और साथ में ये देखेंगे कि जो सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं क्या वो ड्राई होते हैं या उनमें वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये पता लगाने के लिए कि वाटर के क्रिस्टल ड्राई है या उनमें वाटर प्रेजेंट है, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हमारे पास बर्नर होना चाहिए, सोल्ट के क्रिस्टल होने चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कैसे स्टार्टिंग करेंगे इस एक्टिविटी की। हम एक टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, ठीक है, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा रखा है ब्लू कलर से, और ये एक बर्नर है, बर्नर को ऑन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, आग आएगी। क्या होगा, जैसे ही हम टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालेंगे और उसको हीट करेंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है जो इस टेस्ट ट्यूब में लिए, हमने बर्नर को ऑन किया तो ये क्या होंगे, हीट होंगे। हीट होंगे तो हम ऊपर देखेंगे कि वाटर की यहाँ पे ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि जैसे ही हीट दिया, हीट देते ही वो जो वाटर इस इन क्रिस्टल में प्रेजेंट था वो वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो इसके ये वॉल है टेस्ट ट्यूब की, यहाँ पे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। तो इससे हमें क्या पता चला है कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है उनमें वाटर प्रेजेंट है, और हीट देते ही ये जो वाटर क्रिस्टल, जो क्रिस्टल में जो वाटर प्रेजेंट था वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ड्राई होंगे। तो ये कैसे होगा कि जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं उनका कलर कैसा होता है, जब ये हाइड्रेटेड होते हैं तो इसका कलर ब्लू होता है, बट जैसे ही हम इसको हीट देंगे, हीट देते ही वाटर इसमें से निकल जाएगा, रिमूव होगा, रिमूव होते ही जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये वाइट या ग्रेइश वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या किया हमने, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, इसमें क्या होते हैं, 5 मॉलिक्यूल वाटर प्रेजेंट होते हैं, भी वाटर के 5 मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये होता है कॉपर क्रिस्टल। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है, जिसका क्या था, जब इसमें वाटर प्रेजेंट था तो इसका कलर ब्लू था, बट जैसे हमने जैसे यहाँ पे दिखा टेस्ट ट्यूब में डाला और हीट दिया इसको, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो गए, तो बचा है क्या हमारे पास, ड्राई कॉपर सल्फेट बचा है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये ड्राई है, क्योंकि पहले इसका ब्लू कलर था, हीट देते इसका कलर क्या हो गया, ग्रेइश या फिर वाइट कलर हो गया इसका। ठीक है, कि ब्लू कलर इसमें से रिमूव हो गया, बट जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको हाइड्रेट कर देंगे, ये तो क्या हो गया, डिहाइड्रेट हो गया। जैसे हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रेट करेंगे, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो ये दोबारा से अपने ब्लू कलर में आ जाएगा, मीनिंग ये कि दोबारा से इसमें वाटर प्रेजेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये इसको हाइड्रेट कर दिया है, तो CuSO4.5H2O बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमें पता चला है कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं उनमें वाटर प्रेजेंट होता है, क्योंकि हीटिंग की वजह से वो अपना कलर चेंज कर देते हैं ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें ये तो देख लिया कि इसमें वाटर प्रेजेंट थे, और हमारा आज की इस वीडियो का टॉपिक ही वाटर क्रिस्टल है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, कि भी जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स्ड नंबर में प्रेजेंट हो वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, भी एक फार्मूला यूनिट है सॉल्ट की, उसमें जो फिक्स्ड नंबर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वही क्या कहलाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये भी पढ़ा था कि जो फेरस सल्फेट है इसमें क्या होते हैं, 7 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के, तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। जिप्सम है, जिप्सम में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट सॉरी CaSO4.2H2O, तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें 2 वाटर क्रिस्टल प्रेजेंट है, अभी 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसमें कितने हैं, 7 है, और जो कॉपर सल्फेट का था उसमें कितने होते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्या है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इनके फार्मूले। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है उसमें 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फेरस सल्फेट वाले में 7 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और जो जिप्सम है उसमें 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था कि जो सोडियम कार्बोनेट था उसके साथ लगे थे 10H2O, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या होते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर
मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में। ठीक है, ये क्या था, वॉशिंग सोडा था, सॉरी वॉशिंग पाउडर था। इसके साथ क्या था, 10H2O लगे थे जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखे थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसके साथ ये 10H2O लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही हमने जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था उसको हीट किया था तो हमें ड्राई Na2CO3 मिला था, बट जैसे हम इसको हाइड्रेट करेंगे तब इसके साथ लगे हैं 10H2O। क्यों, क्योंकि इस एक फार्मूला यूनिट में क्या होते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, जिप्सम का भी एक हमारा ये वर्ड आया हमारे पास, जिप्सम। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू H2O। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है। तो देखो इसमें क्या करना है, जो जिप्सम होता है अगर जिप्सम को हीट किया जाता है तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो क्या है, हमने जिप्सम पढ़ा है पीछे, जिप्सम का फार्मूला क्या था, कैल्शियम सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे उसके साथ। ठीक है, बट जैसे ही इस जिप्सम को हीट किया जाएगा, हीट करते ही इसमें जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे या लॉस होंगे, लॉस होके ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट का मीनिंग क्या है, हाफ मॉलिक्यूल होंगे इसमें वाटर के। ठीक है, हीट करते ही क्या बना है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और ये फार्मूला ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, केमिकल फार्मूला ये होता है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का कॉमन नेम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, तो देखो आप इसके यूजेस कहाँ किए जाते हैं, कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका यूज जो डॉक्टर है, जैसे कि हड्डी टूट जाती तो उस पर जो प्लास्टर किया जाता है उसमें ये क्या है, यूज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, इट इज यूज बाय डॉक्टर एज प्लास्टर फॉर स्पॉटिंग फ्रैक्चर बोन। ठीक है, अगर हड्डियाँ टूट जाती उसमें यूज होता है, डॉक्टर करते हैं इसका यूज। इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉय स्टैचू, जो स्टैचू बनाए जाते, मूर्तियाँ बनाए जाते, खिलौने भी इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड मटेरियल डेकोरेशन, और ये क्या है, एक मटेरियल डेकोरेशन के लिए भी एक मटेरियल के फॉर्म में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस थे। देखो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोबारा से हम वाटर के साथ मिक्स्ड कर दें, क्योंकि ये क्या था, एक पाउडर था, अगर इसको हम क्या कर दे, वाटर के साथ मिक्स्ड कर दे तो क्या हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या था, कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या किया है हमने, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, तो इसकी हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं अगर हम इसकी, तो ये दोबारा से क्या बनाता है, जिप्सम बना देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल लग जाते हैं। अब देखो क्या है कि यहाँ पे हाफ ही मॉलिक्यूल्स क्यों लिए, क्योंकि जब 2 यूनिट होती है ना जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की, वो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाते हैं, तो यहाँ पे सिंगल है, तो इसलिए यहाँ क्या दिखाया गया है, हाफ वाटर क्रिस्टल दिखाए गए। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि वाटर क्रिस्टल क्या होते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के साथ लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, क्योंकि दो जो यूनिट्स हैं किसके, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, वो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाती हैं, तो यहाँ पे सिंगल दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिया है, हाफ लिया है। ठीक है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की को क्या है, रिएक्ट करवा जाएगा वाटर के साथ, या हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिक्स कर देते तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और मेरे चैनल इजीवे को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।